सपोज आपके पास ये एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल नीचे गिरी ऐसे और इसने इस ग्राउंड को हिट किया विद अ मोमेंटम ऑफ पी, पी मोमेंटम से इसने हिट किया, बॉल की टक्कर हुई और बॉल ऊपर गई, और रेस्टिट्यूशन ग्राउंड का ई है, रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि अगेन इन इलास्टिक कोलिजन है, तो रेस्टिट्यूशन ई है, तो ये बॉल ऊपर गई, फिर ये बॉल नीचे आई, फिर ये बॉल ऊपर गई, फिर ये बॉल नीचे आई, फिर ये बॉल ऊपर गई, ऐसे करती गई और मोमेंटम चेंज होता गया। आपको मुझे ये बताना है, फाइंड फाइनल चेंज इन मोमेंटम। नहीं देखो, मैं तो आपको पहला दे सकता हूं पी, आगे आप बनाएंगे। और मजे की बात बताऊं क्या है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है और जब तक ये रेस्ट पे नहीं आते, आपको कि कितने थप्पे के बाद रेस्ट पे आएगी वो नहीं मुझसे पूछो, चाहे 100 में, चाहे 1000 में, चाहे 1 लाख में, मेरे से ना पूछो, बस जब भी ये रेस्ट पे आएगी, फाइंड टोटल चेंज इन मोमेंटम, बस इतना के बनाए। ऐसे कैसे पी हो जाएगा, पी होगा नहीं क्योंकि एनर्जी लॉस है, मोमेंटम तो डिक्रीज होना ही है, नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, आप ये तो खैर बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, अब मुझे छोटा क्वेश्चन बता दो। चलो मैं आपको छोटा करके पूछता हूँ, एक बॉल आई विद मोमेंटम ऑफ पी, टक्कर हुई और इमीडिएटली टक्कर के बाद ये वापस चली गई, बोलो कितने मोमेंटम से वापस गई, कितने बोलते हैं ईपी, ईपी ईपी की पी, ईपी की पी, पी देखो ईपी वाले तो ठीक है, ये पी वाले पी कैसे बोल सकते हैं, इसका आंसर दें, मोमेंटम होता क्या है मुझे इसका आंसर दें। चलो ये बताएं मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला तो बोल दें, मास इनटू वेलोसिटी, मास तो चेंज नहीं होता टक्कर खाने के बाद, क्या चीज चेंज होगी, वेलोसिटी कितने टाइम हो जाती है, ई टाइम, अभी किया तो मोमेंटम में कितने टाइम होगा, ई टाइम, तो पी कैसे होगा। ठीक है सर, मोमेंटम कंजर्व ये थोड़ी ना कहता है कि तुम्हारा बॉल का मोमेंटम हमेशा एक बॉल का सेम ही रहेगा जितने मुझे टक्करें मार ले, ये थोड़ी ना कहा मैंने, दो बॉल आइसोलेटेड सिस्टम में होता है, दो बॉल्स की टक्कर चाहिए तब होता है, दोनों बॉल्स का मिला के मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है, एक बॉल का थोड़ी ना होता है, तो यानी कि जाने का मोमेंटम क्या होगा, ई पी, सही है। अच्छा चलो आगे तो क्वेश्चन बाद में करते हैं, तुम पहली टक्कर के बाद चेंज इन मोमेंटम बोल दो कितना है, पहली टक्कर का चेंज इन मोमेंटम बोलो कितना है, ई पी, ई पी माइनस, ई पी माइनस पी, ई पी माइनस पी, ठीक है। तुम वापस फोर्थ चैप्टर में आ जाओ, फोर्थ के चैप्टर में एक क्वेश्चन हुआ था, एक दीवार है और एक बॉल मूव कर रही है विद द मोमेंटम ऑफ एम वी, और मान लो कोई एनर्जी लॉस नहीं है, जाने का एम वी, तो चेंज इन मोमेंटम कितना था, फिर उसमें टू कैसे बोला था तुमने, अब बोल देते एम वी माइनस एम वी, नहीं बोला क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज, तो एम वी माइनस माइनस एम वी सिखाया गया था कि एक चेंज इन डायरेक्शन के लिए भी लगेगा एम वी, ये अगर पॉजिटिव है तो ये मोमेंटम क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 2 mv। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। अब इसमें इसके अंदर इसमें आंसर क्या होगा, ई पी माइनस पी होगा, नहीं होगा ई पी, हाँ अब आप बोलेंगे फाइनल, मान लो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, चलो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो फाइनल अगर ई पी है, इनिशियल अगर पी है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो नीचे वाले के लिए आपको एक साइन तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो डेल्टा पी वन की वैल्यू क्या आएगी, ई पी प्लस पी, सही है, तो यहां से पी कॉमन निकाल लिया, क्या आया, ई प्लस वन, सही है। अब मुझे बताओ जब सेकेंड कोलिजन होगी, दूसरी टक्कर होगी सेकेंड, अब क्या गेम होगी बताओ, अब थर्ड मोमेंट, अब एक बात बताओ, ई पी मोमेंटम से ऊपर गया, ई पी से ये ऊपर गया है, ऊपर बॉल गई, अब नीचे भी आएगी, जब नीचे सेकेंड टाइम हिट करेगी कितने मोमेंटम से हिट करेगी, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुने, पीछे पीछे, हाँ ठीक है, तो पी मोमेंटम है और ई पी मोमेंटम है, तो मैंने ये कहा कि ये बॉल नीचे आई विद पी और ऊपर गई विद ई पी,
जब ये ईपी से ऊपर गई तो ये हवा में ऊपर आएगी, रुकेगी, फिर नीचे आएगी, तो नीचे अब ये ग्राउंड को हिट करेगी कितने मोमेंटम के साथ? कितने लोग बोलते हैं ई स्क्वायर पी, कितने बोलते हैं ईपी? ई स्क्वायर पी, ठीक है। ये आई बॉल एक पी के साथ, पहला केस। ये बॉल गई ईपी के साथ, रेस्ट पे आ गई, वापस आएगी। तुमने कहा ई स्क्वायर पी, भाई हवा में कब मोमेंटम चेंज हो गए? वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये जाएगी उसी वेलोसिटी से वापस आएगी। हवा में थोड़ी ना कोई एनर्जी कोई चेंज हो रहा है, हवा की रेजिस्टेंस तो लेते ही नहीं है। तो एनर्जी कंजर्वेशन कहती है जिस वेलोसिटी से आपने बॉल को घेरा उसी वेलोसिटी से बॉल हाथ में वापस भी आएगी। तो जब ये ईपी से चली गई तो ये ईपी से ही वापस आएगी। अब देखो क्या होगा, अब ग्राउंड को हिट करेगी। गड़बड़ होती है जब हिट होती है, हिट करने में एनर्जी लॉस होती है। अब हिट करने के बाद नई वेलोसिटी, नया मोमेंटम क्या होगा? अब होगा, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पी से आई ईपी से गई, ईपी से आई ई स्क्वायर पी से गई, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? ई स्क्वायर पी माइनस माइनस ईपी, ऐसे बनेगा। ई स्क्वायर पी फाइनल मोमेंटम, इनिशियल क्या था? ईपी विद नेगेटिव साइन। तो यहां से डेल्टा पी टू की वैल्यू क्या आएगी? ई स्क्वायर पी प्लस ईपी, तो यहां से ईपी कॉमन, पी प्लस ई प्लस वन, सही। अच्छा अब बताओ, ये बॉल ई स्क्वायर पी से ऊपर गई, अब जब ये हवा में जाएगी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर ये नीचे हिट करेगी कितनी वेलोसिटी के साथ? ई स्क्वायर पी। अब टक्कर के बाद कितनी वेलोसिटी से जाएगी? ई क्यू पी। नेक्स्ट डेल्टा पी थ्री क्या होगा? ई क्यू पी माइनस माइनस ई स्क्वायर पी। डेल्टा पी थ्री विल बी इक्वल टू ई क्यू पी प्लस ई स्क्वायर पी विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर पी ई प्लस वन, सही। आपको ऐसा फील नहीं हो रहा? हर बार टक्कर खाने के बाद ये अपना आंसर ई से क्या करता जा रहा है? मल्टीप्लाई। देखा ना, पहले चेंज इन मोमेंटम, फिर दूसरा चेंज इन मोमेंटम, फिर तीसरा चेंज इन मोमेंटम, इसलिए हर बार वो ई से मल्टीप्लाई करता जा रहा है। कोई डाउट इसमें? अब इस केस में आपको निकालना है टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो क्यों ना ऐसा करें, टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू डेल्टा पी थ्री, कहाँ तक पता नहीं, जब पता नहीं तो फिर इनफाइनाइट, पता नहीं 100, पता नहीं 200, पता नहीं 500, ऐसा कितनी बार होगा मुझे पता नहीं, इनफाइनाइट। तो वैल्यूज पुट करें, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी वन कितना है? पी इंटू ई प्लस वन। डेल्टा पी टू कितना है? ई इंटू पी इंटू ई प्लस वन। नेक्स्ट ई स्क्वायर इंटू पी इंटू ई प्लस वन टिल इन्फिनिटी, ये रहा, ठीक, टिल इन्फिनिटी ये रहा। तो इसमें डेल्टा पी विल बी इक्वल टू पी इंटू ई प्लस वन बाहर आ गया, तो क्या बचा? वन। यहाँ पे क्या बचा? ई। यहाँ पर क्या बचा? ई स्क्वायर टिल इन्फिनिटी, ठीक। क्या है पॉइंट यहाँ तक? क्लियर है? दिख रहा है कुछ मैथ वालों को? जीपी, इनफाइनाइट जीपी दिख रही होगी, कितनों ने नहीं किया अभी इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। देखो मैथ के अंदर अगर आप इस इनफाइनाइट सम को देखें, इस सीरीज के अंदर एक खास बात है, और मेडिकल के लोग ये ना सोचे कि हमें नहीं आएगी, इनफाइनाइट जीपी नीट के अंदर कॉमनली यूज्ड है न्यूमेरिकल्स में, इतना तो आना चाहिए। वो ये, किसी भी दूसरी टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है? ई। चेक करो, ई स्क्वायर को ई से डिवाइड किया तो ई, ई क्यूब को ई स्क्वायर से किया तो ई, तो जब ये अगली टर्म पहली वाली से डिवाइड होकर सेम आंसर दे और इनफाइनाइट तक, इसको जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसे। इनफाइनाइट जीपी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इनफाइनाइट जीपी का लिख लेना, इनफाइनाइट जीपी निकालने का फॉर्मूला है ए अपॉन वन माइनस आर, वेयर ए का मतलब है फर्स्ट टर्म एंड आर का मतलब है इनकी कॉमन रेशियो, ठीक है। स्पेशली मेडिकल के लोग लिख लें, क्योंकि नॉन मेडिकल के लोगों को तो मैथ्स के टीचर बता ही देंगे। तो इस मेरे इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो कौन है? ए, ये रहा ए, ए वन है,
और रेशो आर कितनी है इसमें, ई, क्योंकि किसी भी दो टर्म को डिवाइड करके आंसर क्या आ रहा है, ई। तो आंसर आएगा पी इंटू ई प्लस वन इंटू ए अपॉन वन माइनस आर, अब वन अपॉन वन माइनस ई, तो पी इंटू ई प्लस वन बाय वन माइन आंसर, ये आंसर आएगा।